योगी की यूपी में नहीं बख्शे जाएंगे हैवान। नाबालिग बच्ची से दुराचार करने वालों को सजाए मौत का फरमान। रेलवे क्रॉसिंग पर ले जाकर 3 हैवानों ने की थी नाबालिग से दरिंदगी। गैंगरेप के बाद नाबालिग बच्ची की फोड़ दी थी आंख, तोड़ दिया था पैर। अब कोर्ट ने आरोपियों को सुनाई सजाए मौत। उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ की अदालत ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जो समाज में घूम रहे हैवानों के लिए नजीर साबित होगा। समाज में घूम रहे हैवान इस फैसले के बाद हैवानियत का गंदा खेल खेलने से पहले कांपने लगेंगे, क्योंकि अदालत के एक फैसले ने तय कर दिया है कि जो गंदा काम करेगा, महिलाओं बच्चियों की आबरू से खेलेगा, उनके जिस्म को नोचेगा, उसे सजाए मौत मिलेगी, ताकि फांसी के बाद उसकी रूह भी हैवानियत के नाम से कांप उठे। दरअसल प्रतापगढ़ की पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश पंकज श्रीवास्तव ने एक नाबालिग बच्ची से दुराचार करने वाले 2 हैवानों को फांसी की सजा का फरमान सुना दिया। 27 दिसंबर 2021 को हुए गैंगरेप के मामले में आरोपी हलीम उर्फ खड़बड़ और रिजवान को सजाए मौत मुकर्रर की गई, वहीं एक आरोपी नाबालिग होने के चलते बच गया। 30/12/2021 को जो है पंजीकृत हुई थी, और इसमें एक लड़की जो है नाबालिग जो थी, थाना नवाबगंज अंतर क्षेत्र में आती है, उसको ले जा करके रेलवे ट्रैक पर 3 अभियुक्त अमन उर्फ कासिम और रिजवान और हलीम उर्फ खड़बड़, तीनों लोग जो है इसको ले जा करके इसके साथ रेप किए और इसको वहां पर बुरी तरह मारा, क्रूरतम तरीके से मारा, और ये वहीं पर बेहोश हो गई। जहां से इसको गांव वालों की मदद से इसको CSC काला कांकर लाया गया, वहां से रिफ़र करके इसको मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद ले जाया गया, जहां पे 5 दिन ये बेहोश रही। जब ये होश में आई तब इसने बताया कि मेरे साथ इन तीनों लोगों ने इस तरह से क्रूरतम घटना की है, और इस घटना के बाद जो है पुलिस ने इनके खिलाफ फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, और जिसमें इनके खिलाफ आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया। 7/5/2022 को आरोप पत्र विरचित किया गया इन तीनों के खिलाफ, और 6 माह में कुल 11 गवाहियां हुई साक्षियों की, और उसके बाद इसमें मृत्युदंड दोनों को विरलतम केस मानते हुए, चूँकि बहुत ही क्रूरतम घटना थी, और दोनों को फांसी की सजा सुनाई गई, और दोनों को अलग अलग 50,000 रुपये का अर्थदंड आरोपित किया गया। ये जघनतम, इसके ज्योमेटिक बोन को फ्रैक्चर कर दिया गया था, इसके आँख को अंधा कर दिया गया था, इसके टेम्पोरल बोन पर चोट पहुँचाई गई, इसके पैर को पूरी तरह से तोड़ दिया गया था, इसलिए विरलतम केसों में लिया गया, और माननीय विशेष न्यायाधीश पंकज श्रीवास्तव जी द्वारा यह गंभीर निर्णय दिया गया, जो अपराध को रोकने में मील का पत्थर साबित होगा, इस तरह के अपराधों को रोकने में। दरअसल 27 दिसंबर 2021 को तीनों आरोपियों ने नाबालिग बच्ची का अपहरण कर उसके साथ रेलवे क्रॉसिंग पर गैंगरेप किया, और गैंगरेप के बाद उसके साथ उससे भी ज्यादा घिनौना काम किया। बच्ची की आंख फोड़ उसे अंधा बना दिया और पैर तोड़ उसे लंगड़ा बना दिया। ऐसी घिनौनी दरिंदगी वाले मामले में 11 गवाहों ने गवाही दी, और अंत में अदालत ने वो फैसला सुनाया जिसे सुन हर शरीफ इंसान खुश होगा, तो वहीं हैवान थर थर कांपेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, NTTV भारत। सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।